रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर? रेड कलर मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं रेड फ्लावर चूज करूंगी। रिंकी बेटा प्लीज व्हाइट फ्लावर चूज करो। लेकिन क्यों, हमारे पूरे घर में सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स ही लगे हुए हैं और मैं उन्हें देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। हमारी फैमिली में हम सब व्हाइट फ्लावर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए तुम उसके अलावा और कुछ नहीं चूज कर सकती। ठीक है, रुको, उस प्लास्टिक को मत निकालना। लेकिन क्यों? इस फ्लावर की स्मेल की वजह से। लेकिन मुझे जानना है ये फ्लावर स्मेल कैसा करता है। इस फ्लावर की कोई स्मेल नहीं है, इसीलिए इसको खोलना बेकार होगा। ठीक है। हे गाइस, तो तुम सबने किस कलर का फ्लावर चूज किया? हम सबको रेड फ्लावर मिला और तुम्हें भी तो वही मिला होगा ना? नहीं, मैंने व्हाइट फ्लावर चूज किया क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला। हाँ, तुमने चूज भी किया क्या? तुम्हें ऐसे ही नहीं रेड फ्लावर मिल गया? नहीं, मुझे तो दो ऑप्शन मिले थे, रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में। इसका मतलब तुम स्पेशल हो क्योंकि हम सब में से किसी को ऑप्शन नहीं मिला था चूज करने के लिए। मैंने तो व्हाइट फ्लावर चूज किया और ये काफी अच्छा स्मेल करता है। एक मिनट, क्या तुमने भी व्हाइट फ्लावर चूज किया? इसका मतलब अकेले मैं ही नहीं थी जिसे ऑप्शन मिले थे। इसकी स्मेल काफी अच्छी है, तुम भी स्मेल करो ना। ठीक है। रिंकी, मैंने तुम्हें मना किया था ना प्लास्टिक खोलने से? लेकिन मम्मी, मेरी फ्रेंड ने भी किया लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। हाँ, रिया, रिया, रिया सांस नहीं ले पा रही, जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। रिया की व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से डेथ हुई। लेकिन रिंकी का क्या, उसके पास भी तो व्हाइट फ्लावर है लेकिन वो तो नहीं मरी। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको स्मेल नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया इसे स्मेल करने से। अरे वाह, ये व्हाइट फ्लावर तो बहुत अच्छा स्मेल करता है ना। नहीं, उसे स्मेल मत करना। तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ, तुम ठीक तो हो? रिंकी, तुम्हें अब ये फ्लावर फेंक देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ने तो इसे खोलने से भी मना किया है। रिया और श्रेया की जान इस फ्लावर को स्मेल करने से गई, क्या तुम चाहती हो कि और लोगों की जान जाए? लाओ, तुम्हारी जगह मैं इसे फेंक देती हूँ। मम्मी, क्या आपको मेरे साथ स्कूल आना जरूरी है? मैं हमेशा अकेले आती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी होती है और तुमने तो व्हाइट फ्लावर भी फेंक दिया है ना। हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला ये हम सबके लिए डेंजरस है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम उन सबसे अलग हो। खैर, मैंने वो फ्लावर फिर से उठा लिया था, अच्छी बात तो ये है कि ये खराब नहीं हुआ। थैंक यू। सारे बच्चों को अभी प्लेग्राउंड में इकट्ठा होना होगा। मम्मी, मुझे जाना होगा, सर बुला रहे हैं। व्हाइट फ्लावर की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 20 लोगों की जान, लेकिन कैसे? हमें तुम सबके बैग की चेकिंग करनी होगी ये पता लगाने के पास कि तुम सब में से किसके पास व्हाइट फ्लावर है। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, जल्दी करो। थैंक गॉड, बाथरूम में मैं सेफ रहूंगी। इस व्हाइट फ्लावर में पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे स्मेल करके प्रूफ करना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ ये जानने के लिए कि ये कैसा स्मेल करता होगा। छी, इसकी स्मेल कितनी गंदी है, लोग ऐसा क्यों कहते थे कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है? लगता है सारे लोग पागल हैं। क्या तुमने अपना फ्लावर स्मेल किया? ये कैसा स्मेल करता है? क्या तुम्हें ये स्मेल करना है? मुझे तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें ये व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। वाह, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। मुझे चक्कर आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये भी मर गई? कितना अजीब है, मुझे छोड़ के व्हाइट फ्लावर सबको इतना अच्छा क्यों स्मेल कर रहा है। रिंकी, तुम्हें ये फ्लावर अभी के अभी फेंकना होगा। तुम मुझे ये बार बार फेंकने के लिए क्यों कह रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, हमें इसे जलाना होगा। रिंकी बेटा, आज के बाद से उस लड़की से कभी बात मत करना। मम्मी, आप मेरा हर जगह पीछा क्यों कर रही हो और आप मुझे मना करें कि मैं अपने फ्रेंड से बात ना करूं? बेटा, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, दुश्मन है क्योंकि उसने रेड फ्लावर चूज किया है। लेकिन रेड फ्लावर तो मेरी बाकी फ्रेंड से मैं चूज किया। लेकिन आप सिर्फ मुझे टीना से बात करने के लिए क्यों मना कर रही है? क्योंकि वो तुम्हारी बाकी फ्रेंड से भी अलग है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा रही हूं ताकि तुम उससे हमेशा के लिए दूर रहो। उसके पास मत जाओ, उसके पास व्हाइट फ्लावर है, हमें इसके फ्लावर को फेंकना होगा। नहीं, मैं तुम लोग को ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी प्लीज, मेरे लिए रुको। टीना, मुझे मना किया गया है तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारे घर आना है। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हें रेड फ्लावर देना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से रेड फ्लावर ही चाहिए था, है ना? लेकिन मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी तुम्हें मेरे घर आने के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। टीना, तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है? रिंकी, ये वही जगह है जहाँ पे सारे व्हाइट फ्लावर्स को उगाते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता इन व्हाइट फ्लावर से बचने के लिए, जब तुम खुद अपने हाथों से इन सारे व्हाइट फ्लावर्स को तोड़ोगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस व्हाइट फ्लावर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही? मैं तुम्हें कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रही। रिंकी, क्या तुम चाहती हो कि आगे और लोगों की जान जाए? ठीक है, लेकिन इन सबको तोड़ने के बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें इन सबको जलाना होगा। ठीक है, अब हम इन सबको जला देते हैं। हाँ चलो, फाइनली हम सब फिर से जिंदा हो गए। सबसे अच्छा रेड फ्लावर है। रिंकी, तुमने हम सबकी जान बचा ली। रिंकी, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाइट फ्लावर की वजह से तुम्हारी फैमिली इस दुनिया को रूल करना चाहती थी, लेकिन अब सारे व्हाइट फ्लावर खत्म हो चुके हैं और सिर्फ रेड फ्लावर्स बचे हैं, तो इसका मतलब अब किसी की भी जान नहीं जाएगी।